Hello guys, welcome to my YouTube channel. कहानी का शीर्षक है गधा, लोमड़ी और शेर। जी हाँ दोस्तों, एक जंगल में ये तीनों जानवर रहा करते थे। वैसे और भी कई जानवर थे, लेकिन हमारी कहानी के ये तीन मुख्य पात्र हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक दिन लोमड़ी किसी गड्ढे में गिरी हुई थी। लोमड़ी चूंकि अपने आप को बचाने के लिए आवाज दे रही थी, चीखे जा रही थी कि कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। वहीं से एक गधा गुजर रहा था, गधे को भी आवाज आ रही थी। गधे को जैसे जैसे आवाज आती, गधा वैसे घबरा जाता। उसे लगता जरूर किसी की जान मुश्किल में। जैसे तैसे लोमड़ी की आवाज का पीछा करते हुए वह गधा उस गड्ढे तक पहुंच गया जिसमें वो लोमड़ी फंसी हुई थी। उसने पड़ोस के पेड़ में रखी एक टहनी उठाई, वो लंबी सी टहनी को रस्सी की तरह गड्ढे में फेंका और अपने मुंह में उसका एक सिरा दबा लिया और लोमड़ी को कहा कि दूसरा सिरा तुम पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूँ, इस तरह से तुम ऊपर आ जाओगी। लोमड़ी जैसे तैसे मेहनत करके, मशक्कत करके गड्ढे के बाहर आ गई और बाहर आकर उसने गधे का बहुत बहुत धन्यवाद करा। गधे ने कहा, धन्यवाद तो तुम मेरा कर रही हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ। लोमड़ी कहती है, हाँ कहो, क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? क्योंकि इस जंगल में सब मुझे गधा गधा कहकर चिल्लाते हैं और सब कहते हैं कि मैं कम अकल हूँ, इसीलिए मेरा नाम गधा है। तो क्या तुम मेरी मित्र बनोगी? और लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि ये गधा उतना भी गधा नहीं जो काम ना आ सके। और लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि चलो किसी ना किसी दिन ये गधा मेरे काम आ ही जाएगा, झूठी ही सही, इससे मैं मित्रता कर ही लेती हूँ। लेकिन गधा जो अपनी दोस्ती के लिए ईमानदार था, अपनी दोस्ती के लिए तत्पर था, हमेशा अपनी जान देने के लिए आगे था, वो लोमड़ी के साथ अपनी दोस्ती निभाता रहा। लोमड़ी और गधे की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई। इतनी मशहूर हो गई कि जंगल के राजा शेर को भी इस बात की भनक पड़ गई। और जंगल का राजा शेर, वो तो सोच भी नहीं सकता था कि जंगल के जानवर आपस में दोस्ती करें, क्योंकि अगर जंगल के जानवरों ने आपस में दोस्ती कर ली तो फिर शेर को शिकार मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ जानवर शिकारी थे, कुछ जानवर शाकाहारी थे, और कहीं शिकारियों और शाकाहारियों की दोस्ती हो गई तो बस। इसी डर से जंगल ने धीरे धीरे लोमड़ी और गधे का पीछा करना शुरू किया। जब भी मौका मिलता वो बस इस ताक में होता कि कैसे ना कैसे उस गधे का शिकार करे। और एक दिन वो दिन आ ही गया जब जंगल के राजा शेर के हाथों लोमड़ी लग गई। और लोमड़ी को पकड़कर शेर ने कहा, हे लोमड़ी, मैंने सुना है तू उस गधे से मित्रता करती फिर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक शिकारी जानवर है और एक शाकाहारी जानवर से दोस्ती करती है। लोमड़ी जो कि दिल से दोस्त मानती नहीं थी उस गधे को, फिर भी डर के मारे सच उगल ही देती है और कहती है, हे महाराज, जंगल के राजा शेर, ताकतवर शूरवीर सिंह, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वो गधा मेरा दोस्त नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैंने उसे बुरे वक्त के लिए साथ में बना लिया ताकि कभी आपको कुछ भेंट करना हो तो मैं उसे कर सकूँ। जंगल का राजा कुछ समझा नहीं कि कहने का मतलब क्या है लोमड़ी तुम्हारा। लोमड़ी कहती है कि हे राजा शेर, मैं तो खुद चाहती थी कि आप उसका शिकार करो, लेकिन मैं क्या करती, आप ही के पास वक्त नहीं था, इसलिए आप मेरी जान बख्श दीजिए और उस गधे को खा लीजिए। वाह, ये तो तुमने अच्छी तरकीब निकाली, ठीक है, उस गधे को मेरे पास ले आओ। लोमड़ी को ये बात पता थी कि शेर के पास वो गधे को सीधे नहीं ला सकती, क्योंकि गधे को भी शेर की गुफा का रास्ता पता है और वो जानता है कि उसे और बाकी के शाकाहारी जानवरों को उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए। इसलिए लोमड़ी ने एक बहुत ही शातिर तरकीब लगाई और गधे को धीरे धीरे उस गड्ढे में गिरा दिया जिस गड्ढे में कभी वो खुद गिरी थी, और शेर को भी वहां बुला लिया। शेर ने गधे को गड्ढे में गिरता देख अपने मुंह से लार टपकाई और जोर जोर से हंसते हुए खतरनाक हंसी में बोला, वाह गधे वाह, आखिर तू मेरे जंगल में आ ही गया, आज तो मैं तुझे खाऊंगा ही। और वही लोमड़ी जो गड्ढे के पास खड़ी होकर खुद को वाहवाही दे रही थी कि उसने खुद की जान बचा ली, और गधे से कहने लगी, अरे गधे तू तो गधा ही है, तुझे तो बिल्कुल अक्ल नहीं थी, देख तुझसे मैं कहती थी ना मुझसे मित्रता मत कर, तू माना नहीं और तूने मेरी जान भी बचाई, लेकिन मैं क्या करूं, आखिर जंगल में रहना तो शेर से तो बचना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने तुझसे दोस्ती की थी क्योंकि एक दिन तू मेरे काम आएगा। अब गधा बेचारा मन ही मन गड्ढे में रोता रहा और अपने आप को कोसता रहा कि उसने क्यों लोमड़ी पे भरोसा किया। लेकिन वही शेर जो गधे से पहले लोमड़ी की तरफ नजर ताके बैठा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह लोमड़ी को भी खाना चाहता था। अब शेर ने सोचा कि गधा तो गड्ढे में गिरा हुआ है,
क्यों ना मैं लोमड़ी को पहले खा लूं, गधे को मैं बाद में खा लूंगा। और बस ऐसा विचार आते ही शेर ने उस चालाक लोमड़ी पर हमला कर दिया और लोमड़ी को अपना शिकार बनाया और खा लिया। लोमड़ी बहुत चिल्लाती रही, चीखती रही कि नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं तो खुद मांसाहारी हूँ। पर शेर कहने लगा, नहीं मैं तो तुम्हें पहले अपना शिकार बनाऊंगा, क्योंकि गधा तो गड्ढे में गिरा है और ये वैसे भी गधा है, ये क्या ही निकल पाएगा, इसे मैं कल आकर खाऊंगा। और लोमड़ी को शिकार बनाकर शेर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन दोस्तों, जो गधा उस लोमड़ी को अपनी चतुराई से बचा सकता था, उसी गधे ने उसी टहनी को पकड़ा जिस टहनी से उसने लोमड़ी को बचाया था। और धीरे 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 मेहनत और मशक्कत करके वो गधा उस गड्ढे से बाहर आया और बस वहां से निकल गया। लेकिन लोमड़ी को उसके धोखा देने की सजा मिल गई थी। और इसी तरह हमारी ये कहानी गधे के जीवन के साथ समाप्त हो गई। तो दोस्तों, क्या सीखने को मिलता है हमारी इस कहानी से? इस कहानी से एक ही बात सीखने को मिलती है दोस्तों, कि मित्र को धोखा देने वाला स्वयं अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करता है। अगर आपके जीवन में कोई आपका सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, तो अपने छोटे बड़े या किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए उसे धोखा या दगा मत दो। दोस्ती बड़ी मुश्किल से मिलती है दोस्तों। अपने रिश्ते का सम्मान करें, अपने दोस्त को प्यार करें और हमेशा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।